कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही है और उनके साथ किसी भी तरह का हादसा जेल के अंदर हो सकता है, किसी भी तरह का जेल के अंदर हादसा हो सकता है। बीजेपी के नेता जिस तरह से काम करते हैं वो किसी की जान लेने की हद तक उतर जाते हैं और किसी की भी जान लेने की हद तक अपने षड्यंत्र और साजिश को रचते हैं। और किसी भी शुगर के मरीज के लिए इंसुलिन दवा कितनी महत्वपूर्ण होती है कि अगर उसको समय पर इंसुलिन ना दी जाए तो उसकी जान जा सकती है। उसके जीवन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? मेरा सीधा आरोप है भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री के इशारे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के जीवन के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? ईडी के अधिकारी झूठा डाइट चार्ट प्रचारित कर रहे हैं, कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल अपनी शुगर खुद बढ़ा रहे। शर्म आनी चाहिए ईडी के अधिकारियों को। ये अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की प्रधानमंत्री और उनके कारिंदे जितने भी हैं उनके साथ मिलकर एक गहरी साजिश है। उनका जीवन उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के लिए रच रही है, एक गहरी साजिश कर रही है। आपको याद होगा जब मैं जेल में था और अपनी एक कोर्ट की तारीख पे आया था तो मैंने एक बयान दिया था, जबकि मैं पुलिस के घेरे में था, मुझे रोका गया था कुछ भी बोलने से। बावजूद इसके मैंने एक बयान दिया था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गहरी साजिश और षड्यंत्र चल रहा है। उस समय कई बार मेरे बयान पे लोगों ने आपत्ति की थी कि ये कैसे ये बात कह रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य पद्धति है, बीजेपी के नेता जिस तरह से काम करते हैं वो किसी की जान लेने की हद तक उतर जाते हैं और किसी की भी जान लेने की हद तक अपने षड्यंत्र और साजिश को रचते हैं। और अब जो कार्रवाई लगातार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चल रही है, मैं पूरी जिम्मेदारी और चिंता के साथ ये बात कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल के परिवार की चिंता के साथ ये बात कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता की चिंता के साथ ये बात कहना चाहता हूं और दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की चिंता के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही है और उनके साथ किसी भी तरह का हादसा जेल के अंदर हो सकता है, किसी भी तरह का जेल के अंदर हादसा हो सकता है। क्योंकि एक निर्वाचित 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री के साथ जिस तरह से आतंकियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, वो आप सब खुलेआम देख रहे हैं। उनकी पत्नी को उनसे आतंकवादियों की तरह मुलाकात कराई जाती है, पंजाब सूबे के एक मुख्यमंत्री को उनसे आतंकवादियों की तरह मुलाकात कराई जाती है, और तो और अरविंद केजरीवाल के मामले में ईडी के अधिकारी हों, एलजी के ऑफिस के अधिकारी हों या जेल प्रशासन के अधिकारी हों, ये मिलकर उनके बारे में रोज षड्यंत्रपूर्ण खबरें मीडिया में देते हैं। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, षड्यंत्रपूर्ण साजिशन गहरी साजिश के तहत जेल के प्रशासन, एलजी ऑफिस के अधिकारी और ईडी के अधिकारी मिलकर मीडिया में बाहर भ्रामक और झूठी खबरें फैलाते हैं। जेल के नियमों के मुताबिक किसी भी कैदी के बारे में उसके स्वास्थ्य से संबंधित, उसके खान पान से संबंधित किसी प्रकार की कोई जानकारी आप सार्वजनिक नहीं कर सकते। मैं पूछना चाहता हूं, ईडी ने कल किस अधिकार से अरविंद केजरीवाल के झूठे डाइट चार्ट को मीडिया में प्रचारित करवाया? इसके पीछे की क्या साजिश है? क्या आप किसी बहाने से जहर देने की साजिश कर रहे हैं?
किसी बहाने से मारने की साजिश कर रहे हैं? क्या करना चाहते हैं क्या आप? क्योंकि जो कल आपने प्रचारित किया वो सरासर झूठ था, बेबुनियाद था। मैं पढ़ के बताता हूं। पहली बात तो यह कि अरविंद केजरीवाल जी शुगर के मरीज हैं, डायबिटिक हैं, आज से नहीं 30 साल से इंसुलिन लेते हैं। मीडिया के बड़े बड़े पत्रकार रिपोर्टर जो भी उनसे थोड़ी सी उनके बारे में जानकारी रखते होंगे वो सब ये जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल इंसुलिन लेते हैं। और किसी भी शुगर के मरीज के लिए इंसुलिन दवा कितनी महत्वपूर्ण होती है कि अगर उसको समय पर इंसुलिन ना दी जाए तो उसकी जान जा सकती है, उसके जीवन के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? मेरा सीधा आरोप है भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री के इशारे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के जीवन के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? इंसुलिन जो किसी भी शुगर के मरीज के लिए सबसे जरूरी दवा होती है, जीवन रक्षक दवा होती है, समय पर ना मिले तो जान जा सकती है, ऐसी इंसुलिन दवा भी उनको क्यों नहीं मुहैया कराई जा रही है? आप कल्पना कर सकते हैं, बड़े से बड़े अपराधी का ट्रीटमेंट एम्स जैसे अस्पताल में होता है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री, 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल प्रशासन इंसुलिन मुहैया नहीं करा रहा है। और आप जानते हैं सामान्य तौर पे जेल प्रशासन अपनी ओर से नहीं कर सकता, जब तक उनके आका जो ऊपर बैठे हुए हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब तक वहां से निर्देश नहीं जाता कि यह करना है तुम्हें, यह करना है, ऐसे साजिश करनी है, ऐसे साजिश करनी है, तब तक वो अपनी ओर से ऐसा काम नहीं कर सकते। ईडी के अधिकारी झूठा डाइट चार्ट प्रचारित कर रहे हैं, कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल अपनी शुगर खुद बढ़ा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ईडी के अधिकारियों को। और हम लोग जल्द ही चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे, क्योंकि ये चुनाव का वक्त है हमारी पार्टी के नेता को बदनाम करने के लिए। जेल प्रशासन के जो जो अधिकारी शामिल है इस साजिश में, एलजी ऑफिस के जो जो अधिकारी शामिल है इस साजिश में, ईडी के जो अधिकारी इस साजिश में शामिल हैं, अरविंद केजरीवाल की जिंदगी और जीवन के साथ खिलवाड़ करने की साजिश में जो लोग शामिल हैं, उनके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की जाए, उनके विरुद्ध सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। हम चुनाव आयोग से मिलकर और भारत के राष्ट्रपति से मिलकर इसकी भी मांग करेंगे। आपने मजाक बना रखा है, आप कुछ भी करेंगे? इंसुलिन की दवा नहीं देंगे? एक आदमी की जिंदगी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं? मैं पढ़ के सुनाता हूं उनकी शुगर की रिपोर्ट। बारह अप्रैल को उनकी शुगर थी 320, 13 को उनकी शुगर थी 270, 14 को उनकी शुगर थी 300, 15 को उनकी शुगर थी 300, 16 को उनकी शुगर थी 250, 17 को उनकी शुगर थी 280। ये उनकी शुगर की रिपोर्ट है जो अपने परिवार से बातचीत के दौरान वो बताते हैं। उनको आप जानते हैं पैच लगा हुआ, जैसे मैं जेल में था मुझे पैच लगा हुआ था, शुगर के लिए हमेशा उसकी मॉनिटरिंग की जा सके, इसके लिए कोर्ट से मुझे भी ऑर्डर हुआ था, उनके पास भी है, किसी भी समय वो अपनी शुगर चेक कर सकते हैं। इसके बावजूद आप उनको क्यों नहीं दे रहे हैं इंसुलिन?
यह आपराधिक कृत्य है, यह अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की प्रधानमंत्री और उनके कारिंदे जितने भी हैं उनके साथ मिलकर एक गहरी साजिश है। और जल्द ही चुनाव आयोग से मिलके, भारत के राष्ट्रपति से मिलके उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ जो इस साजिश में शामिल है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाए, ऐसी हम लोग मांग करेंगे। ये चुनाव का वक्त है, आप हमारे पार्टी के नेता को रोज रोज बदनाम करेंगे झूठे बेबुनियाद आरोप लगा के, मैं तो 6 महीने जेल में रह के आया हूं, मैं बता सकता हूं किसी की निजी जानकारी आप सार्वजनिक कर रहे हैं, वो भी झूठी जानकारी, झूठी जानकारी। और ईडी तो मतलब 10 कदम आगे बढ़ गई है, जिस मामले में न्यायालय में मामला विचाराधीन है, जिस याचिका पे, जिस एप्लीकेशन पे न्यायालय का फैसला नहीं आया उसको ईडी सार्वजनिक कर रही है। तो मैं फिर दोहरा रहा हूं, मोदी सरकार के इशारे पर अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की गहरी साजिश रची जा रही है। और मैं देश के लोगों से, दिल्ली के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि वो आपका बेटा जिसने आपके बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा, इतनी सुविधाएं देने के लिए काम किया, दिन रात आपके लिए काम किया, आज आपका वो बेटा जेल के अंदर, उसके खिलाफ भाजपा के लोग और प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार एक गहरी साजिश उनका जीवन, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के लिए रच रही है, एक गहरी साजिश कर रही है। और इसमें आप सब लोग केजरीवाल जी के साथ खड़े होइए।